गीता में लिखा है आत्मा सुधर कर्म किए सेकंड भी नहीं रहता है। आत्मा कर्म करती है, आत्मा कर्म किए सेकंड भी नहीं रहता। आत्मा शरीर के साथ, आत्मा शरीर के साथ कर्म किए बगैर नहीं रह सकती। आत्मा का आना जाना है, तो उसके पास सिस्टम नहीं होता। ठीक है, आत्मा के पास सिस्टम नहीं होता। ठीक है, आना जाना होता है। नहीं होता है। हाँ, तो उसके पास सिस्टम नहीं होता। हाँ, तो वो आती है धरती पर, तो वो कैसे आती है? ऐसा होता है जैसे बीज धरती पर गिरता है, तो जब तक धरती पर न गिरे तब तक वो उग नहीं सकता। ऐसे ये शरीर रूपी धरणी भी है, आत्मा भल परम धाम से आती है, लेकिन वो जैसे कोई बीज होता है जड़बत गिर गया ऐसे आती है। वो कोई कर्म नहीं उसका साबित हो सकता है जब तक शरीर में प्रवेश न करे। और धरणी का आकर्षण अपने टाइम पर खींचता है, आत्माओं को टाइम पर समय की सुई जैसे रिकॉर्ड चलता है, और सुई जैसे जैसे समय की सुई घूमती जाती है रिकॉर्ड अपने आप बचता जाता है। ऐसे ही ये समय की सुई है, इसको कहते हैं काल, महाकाल। और ये पृथ्वी है घूमने वाली, लगातार घूमती रहती है, और ऊपर से आत्माएं आकर के सदैव अपने अपने स्थान पर पार्ट बजाती रहती है। हाँ पहले होगा गीता के सुन, तब होगा फिर होगा। ज्ञान के साथ जयंती जुड़ी हुई है कि अज्ञान के साथ जयंती जुड़ी हुई? तो ज्ञान जब प्रजापिता के मुख से सुनाया जाएगा तब ज्ञान होगा, या माता के मुख से सुनाया जाएगा तब ज्ञान होगा? सुनना सुनाना ज्ञान होता है या समझना समझाना ज्ञान होता है? तो आप बताओ क्या कहना चाहते हैं? बाबा गीता माता की जय जयकार है, गीता माता की जय जयकार है, न पहले क्यों? शिव जयंती तो गीता जयंती दोनों का सम्मान। अरे जब शिव आता है तो गीता माता नहीं होती है क्या मौजूद? पापा बहुत बहुत जानने से मतलब नहीं है, यहाँ तो असलियत से मतलब है। बाबा जैसे 2018 से पहले प्रत्यक्ष होगा, शिव जब प्रत्यक्ष होगा तो तीन मूर्तियों के साथ प्रत्यक्ष होगा या अकेले ही प्रत्यक्ष हो जाएगा? उन तीन मूर्तियों में गीता माता होगी या नहीं होगी? हैं? होगी। तो बाबा 2018 के बाद ये राम राम बनेगा पहले बनेगा? लो। अरे राम की आत्मा पहला नंबर है, तो जो आज है तो अंत होगा या कोई बीच में दूसरा आ जाएगा? सबसे पहले आज है, तो अंत भी सबसे अंत में होगा कि पहले हो जाएगा? तो बस 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं जब सब धरती पर उतर जाए, अपना करिश्मा दिखा दें, और कोई भी विनाश की लीला न दिखा सके, सब धर्म पिताएं आते हैं, स्थापना करते हैं अपने अपने धर्म की, कोई भी विनाश का काम नहीं कर पाता, किसी में इतनी ताकत ही नहीं है। ये एक का ही काम है कि जब वो सक्रिय होता है तो प्रकृति को भी तोड़ मोड़ के रख देता है, प्रकृति भी 100% सम प्रधान हो जाती है, सारी दुनिया का ध्वंस हो जाता है। तो ये काम जड़ा करता है या चैतन्य आत्मा करती है? चैतन्य आत्मा करती है। शिव करता है या कोई और है जो करता है? शिव करता है। हाँ,
शिव तो सिर्फ कल्याणकारी है। हाँ तुम्हें कैसे पता चलता है कि पार्ट बजाता है कि नहीं बजाता है? जब संशय आता है तो बजाता है कि नहीं बजाता है? जब संशय आता है तो सुप्रीम जोन उड़ जाता है, तो पता ही नहीं लगता है कब बजाता है और कब नहीं बजाता। बैल के ऊपर सदैव सवारी होती है क्या? वो सुप्रीम सोल बच्चों में प्रवेश करके और सेवा का काम नहीं करता? और बच्चों में भी तो प्रवेश करके दुनिया में सेवा कर रहा है ना। तो जब राम रावण बनता है तभी जो वैज्ञानिकों की बुद्धि इतनी खराब होती है और इतनी तामसी बनती है कि जिन एटम बमों को उन्होंने बनाया है वो उनको छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तब तक उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो एटमिक एनर्जी का विस्फोट कर सकें, धुआंधार छोटा मोटा विस्फोट तो अभी भी होता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। जैसे दिवाली में पटाखे छुड़ाते हैं बच्चे या दशहरे में छुड़ाते हैं तो पहले फट 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 होता रहता है, फिर बाद में क्या होता है? फटाखा से सारा का सारा स्वाहा, फट 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 फटाखा। और जो रथ नहीं है, एक मुकर्रर एक टेम्पररी, भूल गए? अब उसका टेम्पररी रथ नहीं है। अच्छा, भट्टी करके आ गए, कंपिल में भट्टी करके आए फरुखाबाद में है? कब? कौन सी पार्टी के साथ है? कौन सी पार्टी, कहाँ की पार्टी है? राजस्थान से, राजस्थान से, पंजाब से, अकेले गए? परमिशन किसने दी? किसी ने परमिशन तो दी होगी। आपने परमिशन दे दी, ऐसे इन्हें यही पता नहीं कि गुलजार दादी में शिव प्रवेश करता है या मनुष्य आत्मा प्रवेश करती है? अरे ये बात तो खास बताने की है बच्ची में, जो बताई जाती है, समझाई जाती है कि गुलजार दादी में शिव सुप्रीम सोल नहीं आता है, कौन आता है? ब्रह्मा बाबा माने देहधारी मनुष्य की आत्मा आती है। तो ये तो प्रश्न पूछते ही रहेंगे, सब प्रश्नों का समाधान तो जो अभी तक आदियों चली है उनमें सब में दिया हुआ है, बीसियों बार दिया हुआ है। अब कहाँ क्लास करते हो? क्लास बीके वाला क्लास करते हैं। तो बुद्धि में ज्ञान तो तुम्हारी कौन सा बैठेगा, बीके वाला बैठेगा या एडवांस का ज्ञान बैठेगा? हैं? ये मतलब नहीं डीसीडी लाए और घर में बैठ के देखें। ये तो इनसे पूछा जाए अलग कहाँ है तो ये बताएंगे, कोई प्रूफ दे पाएंगे, किसी को समझा पाएंगे कि अलग कौन है, अलग क्या चीज होती है? इन बुद्धि तो वही गुलजार दादी में लगी हुई है, शिव बाबा आता है गुलजार दादी में। ये तो मुख्य एडवांस का पॉइंट है कि गुलजार दादी में शिव बाबा नहीं आता है, वो तो ना मुकर्रर रथ है और ना शिव बाबा का टेम्पररी रथ है, वो तो मनुष्य आत्मा का रथ है। मनुष्य आत्मा जब प्रवेश करती है
तो जिसमें प्रवेश होता है मनुष्य आत्मा वो सब भूल जाती है। और शिव बाबा तो हल्का फुल्का, उसको सूक्ष्म शरीर है ही नहीं। जिसमें प्रवेश करता है उसको पता भी नहीं चलता कब कब प्रवेश किया और कब चला गया, चाहे वो मुकर्रर रथ हो और चाहे टेम्परेरी रथ हो। गुलजार दादी में प्रवेश होता है वो तो एकदम दम हो जाती। कौन कहता है रथ को याद करो? आप रथ को याद करते हैं? आप किसको याद करते हैं? ठीक है, हाँ बाबा ने तो मुरली में ये भी बोला है, जो मुझे ऊपर याद करते हैं वो सूत्र संपदा है, वो तो अभी ब्राह्मण बने ही नहीं है। अरे शिव बाबा नीचे आ गया कि ऊपर है, वो नहीं बोलने दो। परम नाम माने क्या? परम नाम माने वही परम नाम है जिस तन में आया हुआ है, वही तुम्हारा परम नाम भी है, वही तुम्हारा स्वर्ग भी है। विष्णु बाबा कहते माम एकम याद करो, तीन तीन को याद करो या एक को याद करो? एक को याद करो, उसी में हमारा स्वर्ग समाया हुआ है, उसी में हमारा बाप का घर परम नाम समाया हुआ है। क्योंकि बाप का घर सुप्रीम सोल का घर कौन सा है? मुकर्रर। तो हमारा परम नाम घर भी है, वो हमारा स्वर्ग भी है, बाप ही हमारा स्वर्ग है और वो बाप भी है। ऐसे थोड़े तीन तीन को याद करना है, माम एकम याद करना है या तीन तीन को याद करना है? माम एकम याद करना है। और अपनी प्रेरणा में एक जन पुरुष तो क्या राम नहीं? कोई जरूरी नहीं कि सबके दो जन्म और एक जन्म होता हो। हाँ, कोई कोई के बहुत से जन्म हिसाब से चलते हैं, एक जन्म स्त्री एक जन्म पुरुष, लेकिन कभी कभी कोई दो जन्म पुरुष की या स्त्री के हो भी सकते हैं। हाँ, तो क्या राम वाली सोल भी ऐसा स्त्री पुरुष चोले नहीं आती? स्त्री चोले में राम वाली आत्मा नहीं आएगी? जरूर आएगी। हाँ, ये जरूर है कि जो ज्यादा याद करते हैं उनमें पुरुषत्व के संस्कार ज्यादा भर जाते हैं, क्योंकि आत्मा पुरुष है या स्त्री है? आत्मा स्वयं पुरुष है, तो पुरुष होने के कारण जो आत्म की स्थिति में ज्यादा रहता है या जो शिव ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल को जो परम पुरुष है उसको ज्यादा याद करता है, तो उसमें पुरुषपने के संस्कार समा जाएंगे या स्त्रीत्व के संस्कार समाएंगे? स्त्रीत्व के संस्कार माने आधीन रहने के संस्कार, और पुरुष के संस्कार माने कंट्रोल करने के संस्कार। इसलिए एक विजय माला भी है और एक रुद्र माला भी है। शिव की माला कौन सी है? रुद्र माला है शिव की, विजय माला शिव की माला नहीं है, वो आधीन रहने वाली रानियों की माला है। शिव की रुद्र की, रुद्र ही तो शिव है जब साकार में प्रवेश करता है, रौद्र रूप धारण करता है। जब रौद्र रूप धारण करता है तो ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया खलास हो जाती है। आप मुए मर गए, यहां से शुरुआत होती है, फिर बढ़ते 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 ये स्वरूप पैदा हो जाता है जो अभी बैठा हुआ है, तो विकराल रूप धारण करता है ना। ऐसे ही एडवांस में भी अगर ठीक से नहीं चलते हैं तो अंत में कौन सा रूप धारण करता है? धर्मराज विकराल रूप धारण करता है, रौद्र रूप धारण करता है। जो श्रीमत पर चलने वाले हैं उनका संगठन बचेगा और बाकी सब बाकी सब खलास हो जाएगा। फिर धीरे धीरे बाद में बजे एक एक करके
आते जाएं, ऐड होते जाएं माला में। घर गृहस्थ में कभी गुस्सा करना पड़ता है तो क्या जाएगा? ये क्या मुरली में बोला है? क्यों ऐसी बात ही क्यों करना? समझाने नहीं, बच्चे मानते थे। कौन सा घर गृहस्थ है जिसमें समझाने से बच्चे मान रहे हैं? कोई घर ऐसा है? सब अपनी अपनी मन, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना रहा। वो तो घर गृहस्थ है ही नहीं, जबरदस्ती पकड़े बैठे हैं। ये हमारा घर गृहस्थ है, हम गृहस्थी हैं। वो गृहस्थी ही झूठी है। रचयिता के रचना कंट्रोल में नहीं तो वो रचना ही नहीं है। घर का ही घर शिव बाप जो है वो आत्माओं का बाप है। जो आत्मा की स्थिति में रहने वाले बच्चे रुद्रमाला के हैं वो क्या हुए? शिव बाबा के बच्चे हुए ना, शिव बाप के बच्चे हुए ना, क्योंकि आत्मा की स्थिति में स्थित है, उनके लिए बोला गया। और शिव बाबा के, तो जब शिव बाबा कह दिया तो एक है आत्मा या दो है? दो आत्मा है, एक में ही पर्सनालिटी, एक है आत्मा है, दो है, उनकी बच्ची है। अंतर पड़ेगा कि नहीं? रुद्र के बच्चे सब रौद्र रूप धारण करने वाले, जो चंद्रवंशी होंगे वो रौद्र रूप नहीं धारण करेंगे। और बाबा जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो बोल नहीं पाते हैं, और जो ये बड़ा होते हैं तो बोलते हैं, बोलते हैं चाहते हैं जो भी कुछ करते हैं, लेकिन छोटा बच्चा क्यों नहीं बोल पाता? उसके अंदर भी तो आर्गन्स नहीं होते हैं मजबूत? मन बुद्धि संस्कार, आर्गन्स जो है वो मजबूत होने में टाइम लगता है। आर्गन्स जब मजबूत हो जाए तब वो सब काम करता है सही तरीके से। आर्गन्स तो धीरे धीरे बढ़ेंगे कि एकदम बड़े हो जाएंगे, पावरफुल बन जाएंगे। आत्मा भी जब तक आर्गन्स काम नहीं हो करेंगे पूरे अच्छी तरह से, मशीनरी तैयार ही नहीं हुई तो चलेगी कैसे? मशीनरी को पूरा तैयार होना चाहिए ना। और बहरे और गूंगे को इशारों से समझाओ, बहरों को इशारा तो समझेगा। अरे आजकल बहरे और गूंगे तो ऑफिस में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े कंप्यूटर चलाते हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, उनको नौकरियां भी मिलती हैं ऊंची ऊंची। ईश्वरी ज्ञान में तो और ही बहरों गूंगे हो, चाहे अंधे हो, चाहे लूले हो, चाहे लंगड़े हो, कुछ भी हो, सब ईश्वरीय ज्ञान ले सकते हैं। है हाँ, तीसरी आंख उनकी पावरफुल बन जाएगी ना। जो आत्मा की पावर है 10 इंद्रियों में बांटी जाए, और वही आत्मा की पावर 5 इंद्रियों में बांटती जाए, तो 5 इंद्रियां ज्यादा मजबूती से काम करेंगी। और जो गुप्त हो गई इंद्रियां है ही नहीं, वो तो डंप है, उनकी तीसरी आंख ज्यादा नेत्र है, तीसरा नेत्र ज्यादा तीखा काम करता है, बुद्धि बहुत तीखी हो जाती है। और हाँ जी, जयंती शरीरदारी की होती है या आत्मा की होती है? शरीरदारी की होती, इसलिए उनकी जयंती में रामकृष्ण शरीरदारी आत्मा है या सिर्फ आत्मा है? शरीरदारी है तो उनकी जयंती मनाते हैं, और सिर्फ शरीरदारी तो है नहीं, उसको अपना शरीर है नहीं है, तो उसकी जयंती कहाँ से मनाएंगे? ब्रह्मा कुमारियां मनाती है जयंती, तो झूठी जयंती हो गई 70वीं शिव जयंती। अरे उन्हें पता है कि शिव जयंती 70 साल पहले हुई थी, 70 साल पहले शिव आया था, पता भी नहीं है कब आया कब चला गया, मालूम ही नहीं पड़ता कब प्रवेश करता है। अरे आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तो किसी को पता चलता है क्या? प्रवेश करने का थोड़ा ही पता चलता,
जब बाहर बच्चा आता है तो सबको पता चलता है। ऐसे ही भगवान ने जब प्रवेश किया तो किसी को पता नहीं है, चाहे मुकर्रर रथ में प्रवेश करे और चाहे टेम्परेरी रथ में प्रवेश करे, पता किसी को नहीं लगता। जैसे गर्भ में आत्मा प्रवेश करती, जब बच्चा पैदा होता है तो सारी दुनिया कहेगी हाँ ये बच्चा पैदा हुआ, इसकी जयंती हुई, ढोल मजीरे बजाएंगे। तो ऐसे ही है कि जब वो सुप्रीम सोल संसार में प्रत्यक्ष होता है धूम धड़ाके से, तो चारों तरफ ज्ञान ही ज्ञान, जो सूरदास ने लगा उत्तर पश्चिम पूरब, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चौदह से काल फिर है, और चारों तरफ दुनिया में ज्ञान के नगारे बजेंगे। ज्ञान ही ज्ञान का धंधा रह जाएगा और सब धंधे चौपट होने लग पड़ेंगे। ईश्वरीय धंधा संसार में कायम होगा। अरे दुनिया में सब सूत्र हैं, बात सुन लो, सुन ली तुम्हारी बात, दुनिया में सब सूत्र हैं, या दुनिया में कोई ब्राह्मण भी रह गया है? तुलसीदास ने तो 500 साल पहले ही लिख दिया भय वर्ण शंकर सब है, सारे ही वर्ण शंकर सूत्र हो गए, कोई जाति नहीं गई। अब तो 500 साल बीत गए, अब शिव बाबा बता रहा है सब सारी दुनिया शूद्र है। तो जब सारी दुनिया शूद्र है तो शूद्रों को पढ़ाई पढ़ा करके ब्राह्मण किसके द्वारा बनाया जाता है? हैं? ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा के मुख से जिन्होंने सुना, भले नहीं समझा लेकिन सुना, वो क्या हुए? ब्राह्मण हुए। अब फिर उन ब्राह्मणों से चुना जाता है, क्या उनसे चुनाव होता है, आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतर जाए तब, बेसिकली तब फिर वो ब्राह्मण बनते हैं, जिन्हें आत्मिक की स्थिति का प्रैक्टिस पक्की हो जाती कि मैं आत्मा हूं, बिंदु आत्मा बनते हैं। देहधारी से क्या बनते हैं? विदेही बनना शुरू करते हैं। तो वो हुए ब्राह्मण, क्या बेसिक में सब क्या है? जो बेसिक में ब्रह्मा कुमारी आश्रम में है वो सब क्या है? शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। और यहाँ भगवान शूद्रों को पढ़ाई पढ़ाता है या ब्राह्मणों को पढ़ाई पढ़ाता है? ब्राह्मणों को पढ़ाई पढ़ाता है, इसलिए ब्रह्मा कुमारी आश्रम से आए हुए सारे बैठे हुए। चलो इस जन्म में नहीं पढ़ा होगा तो पूर्व जन्म में पढ़ा होगा। ब्रह्मा के बच्चे एक बार बने जरूर होंगे। तो यहाँ भगवान पढ़ाई पढ़ाता है और वहां मनुष्य आत्मा दाढ़ी मूछ वाली ब्रह्मा को भगवान का साकार रूप कहेंगे? कहेंगे? अगर कहें तो उनके मंदिर होते, उनकी मूर्तियां बनती, उनकी पूजा होती। न पूजा होती है, न मंदिर है, न मूर्तियां बनती हैं, इसे साबित होता है कि वो भगवान का साकार रूप नहीं था, वो गीता का भगवान नहीं था, गीता का भगवान कोई और है। बिहार कोई स्थान में बंधा हुआ है या गुजरात कोई एक स्थान में बंधा हुआ है बेहद का, या यूपी? तुम ज्ञान पियो, पीना ही पड़ेगा। वो यूपी कोई स्थान में बंधा हुआ है, कर्नाटक, नाटक करने वाले वो कोई स्थान विशेष में बंधे हुए हैं, या बेहद की बात है?
ऐसे ही है कि जो असली बिहार बाहर लाने वाले हैं वो ज्ञान के आधार पर बाहर लाएंगे या अपनी मनमत या मनुष्य मत पर बाहर लाएंगे, तो ज्ञान की बाढ़ उनमें आनी जरूरी है, जरूर आ रही होगी। वो ऐसे नहीं कि वो हद के बिहार में ही बंधे हुए हों, स्थूल बात नहीं है, बेहद की बात है। जैसे गुजरात जिसके अज्ञान की रात गुजर गई हो, तो एडवांस वालों की अज्ञान की रात गुजरी है नंबर वन, या बेसिक वालों की गुजर गई? एडवांस वालों की कहेंगे कि अज्ञान की रात गुजर गई, उन्होंने सूर्य को पहचान लिया, सूर्य को देख लिया। तो वो गुजरात जो है वो हद में बंधा हुआ है या बेहद में है? बेहद में। बिहार में जो बाढ़ आई है वो कोसी नदी के कारण आई है, तो कोसी नदी कौन होगी बिहार में? कोसने वाली कोई होगी कि नहीं होगी? अरे ये तो कलंक की धारा बता रहे हैं, यहाँ तो कोसना ही कोसना चलेगा। है सत्युग मैंने सत्ता का युग, द्वापर मैंने सत्युग मैंने सत्ता का युग, सत्ता सत्या का युग, सत्याई का युग, सत्याई का युग, सत्य का युग, द्वापर मैंने दोनों का वाला युग, द्वैतवादी युग, कलयुग मैंने कलह कलेश का युग, त्रेता का मतलब जहाँ 13 होते हैं राज्य, 3 के कितने हो जाते हैं? 3 के 13। शिव बाबा आया 3 का राज्य लाया, किन का? ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब 3 के कितने हो गए त्रेता में आके? 13 राजाएं हो गए, उसको कहते हैं 13 त्रेता। और कर्नाटक का क्या मतलब? नाटकबाजी बहुत करते हैं कर्नाटक जोन का जो टीचर है बड़ा से बड़ा, वो भी ऐसे ही बताया है। कर्नाटक जोन के जो बेहद का कर्नाटक जोन है उसको टीचर्स की जोड़ी बहुत वंडरफुल मिली हुई है। क्या कौन सी जोड़ी है? वंडरफुल जोड़ी है। कौन सी वंडरफुल जोड़ी है, है? अरे बस अब तुम्हारी सुन लेते और मंथन कुछ होता ही नहीं। अरे कर्नाटक जोन की सेवा में बहुत वंडरफुल जोड़ी मिली हुई है, वो कौन सी जोड़ी है? वो कोई जोड़ी है, रामकृष्ण तो दोनों पुरुष आत्मा है, जगदम्बा और जगत पिता, ये वंडरफुल जोड़ी है। इनके पार्ट को कोई समझ ही नहीं पाता है, जगत पिता के पार्ट को समझ पाता होता तो अनित्य बुद्धि बने बार बार नहीं बनेगा। और जगदम्बा वो तो रचना है, भक्ति मार्ग में भी कहते हैं रचयिता का पार पाना तो सहज है लेकिन उसकी रचना का पार पाना बहुत मुश्किल है। विधि हुन नार हृदय गति जानी, और जो बोलो बाबा दीप सिंह है उनका ना फ्रीज गिर गया था, तो उनका कारण था फ्रीज लेकर ही चला गया, काम शक्ति कैसे काम करती है? क्या बाबा दीप सिंह हुए हाँ गुरुद्वारा एक और बाबू का हथेली पे रखे तो हथेली पे रख के फिर सर लड़वाए थे। ठीक है बाबा ने भी तो बताया तुम बच्चे आए ही हो उससे हथेली पर लेकर लो आप ही ले लो, हम मरने के लिए तैयार हैं लेकिन सच्चाई को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, हम शिव बाबा को नहीं छोड़ेंगे। ये सारी कथा कहानियां बनती कहाँ है, इनका बीज कहाँ पड़ता है? यहाँ संगम युग में बीज पड़ता है। बाबा जो अल्प है अल्प आदि में भी खड़ा दिखाते हैं जैसे अंत में भी खड़ा, लेकिन वो सीढ़ी के चित्र में उसको लेटा हुआ क्यों दिखाया राम बली आत्मा को नीचे जाकर के अल्प में? वो सन 76 की बात है या 76 के बाद की बात है?
कब की बात है? वो 76 की बात है, जब सती की शूटिंग का काम पूरा हो गया, 40 साल पूरे हो गए, तब की बात है या उससे पहले की बात है? 76 की बात है। 76 में तो सती की शूटिंग माने देवतावाणी की शूटिंग का अंतिम काल है ना, तो अंतिम में आकर के देवताएं क्या बन जाते हैं? गिर जाते हैं या खड़े रहते हैं? ऊंचे से ऊंचा देवता कौन? अरे देवदेव, महादेव। तो वो किस हालत में आखिरी जन्म में पहुंचना चाहिए? पड़ा हुआ है धराशाई। ब्रह्मा बाबा फिर भी खड़े हुए सीढ़ी के चित्र में। ब्रह्मा बाबा खड़े हैं या पड़े हुए हैं? ब्रह्मा बाबा तो खड़े हुए हैं, और वो कांटों की सैया पर पड़ा हुआ है, कांटों के जंगल में। दिखाते भी हैं कांटों के जंगल में है भगवान का पाठ, है कांटों के बीच में, कांटों की दुनिया है। नारायण की सैया पाँव पे दक्षिण को शेषनाथ है, दक्षिण को शेषनाथ पर। हाँ हाँ, तो अब उसको शेषनाग की सैया दिखा दो, चाहे नाग उनके शरीर में चारों तरफ लिपटे हुए दिखा दो, और चाहे शेषनाग के फन के ऊपर उनको डांस करते हुए दिखा दो। ये तीनों ही चित्र संपन्न स्टेज की यादगार हैं या पुरुषार्थी स्टेज की यादगार? संपन्न स्टेज की यादगार है, नहीं तो सांपों के ऊपर कोई किसी को नींद आएगी, लेकिन वो सांपों के बीच में मस्ती से आराम से रहता है, उनको भी कंट्रोल कर लेता है। गले में सांप पड़े हुए हैं, तो गले में सांप पड़े होने का मतलब क्या है? मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। हाँ हाँ, राम की मृत्यु, अगर राम की भी मृत्यु हो जाएगी तो स्वर्ग कैसे स्थापन होगा? है कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा की मृत्यु होती है संगम में, या राम वाली आत्मा की मृत्यु होती है? ठीक है, आत्मा की मृत्यु होती है। बुद्ध रूपी पाँव में बहेलिए ने तीर मारा या स्थूल पाँव में तीर मारा? बुद्ध रूपी पाँव में किसी बहेलिए ने तीर मार दिया, जो उनसे सहन नहीं हुआ और हार्ट फेल हो गया और प्राण पखेरु उड़ गए। पहला जो बुलेटिन है माउंट आबू से निकला हुआ 18 जनवरी का, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जब तक डॉक्टर आया तब तक हार्ट में दर्द हुआ और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। ज्ञानामृत पत्रिका में नहीं, बुलेटिन निकलती थी मुरलियों के साथ साथ कभी कभी, पहली बुलेटिन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे बुलेटिन नंबर निकले हैं ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद। पहले नंबर की बुलेटिन में ये समाचार निकला था, वो बुलेटिन उन्होंने गायब कर दी अभी, फिर भी कहीं ना कहीं पड़ी होगी। हाँ जी है? ये बात अपनी जो निरोध आती है हिस्की में सुनाते हैं, जब केवल वाली कहती है तो जब थोड़ा बाबा के दर्द हुआ आपने हाथ लिया घूम का। हाँ जी सुनाती है, करती हूँ निरोध आती है। हाँ जी और बाबा जब नौ दुर्गा है, नौ दुर्गा है ना, नौ दुर्गा, उसमें से प्रथम का नाम शैलपुत्री है, पहली तो है शैलपुत्री है ना जी। शैलपुत्री सबसे बड़ा शैल कौन सा है? शैल माने पहाड़, सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है? जहाँ हिम, हिम माने बर्फ ही बर्फ आच्छादित होती है, कोई भी मौसम हो वहाँ सदैव हिम आच्छादित रहता है, हिमालय। उसका नाम क्या पड़ गया? हिमालय। तो पार्वती का नाम क्या था? किसकी पुत्री थी? हिमालय की पुत्री।
युधिष्ठिर वाली आत्मा का पार्ट है हिमालय। क्या बुद्धि जाम रहती है, जितना शिव बाबा ने सुना लिया उतना सुन लिया, बाकी बुद्धि में कुछ मंथन मंथन नहीं चलता, इसलिए वो हिमालय है, हिमालय राज की पुत्री है। लेकिन ज्ञान सच्चा है, जो कुछ भी सुनाया वो सच्ची बात सुनाई है, भले समझ पाई उन्होंने या नहीं समझी। पार्वती पहले नंबर में है नहीं दीवी, जो जन्म जन्मांतर है, वरों सम उन्नत रहूं कुंवारी, एक की बन करके रहूंगी दूसरी आत्मा की बन करके नहीं रहूंगी। तो ऐसी पवित्रता जिसने जन्म जन्मांतर की पालन की हुई हो वो अव्वल नंबर में नहीं आनी चाहिए, इसलिए अव्वल नंबर है शैल कुमारी। हाँ हाँ जी ठीक है, हाँ जी हाँ जी। क्या शिव बाबा गुलजार दादी के अंदर प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, ब्रह्मा बाबा प्रवेश करते हैं गुलजार दादी तो क्या होता है, उनकी आवाज बदल जाती है। और तो तुम भी नए आओ। अरे शिव बाबा में मनुष्य आत्मा में कोई फर्क होगा कि नहीं, शिव की आत्मा में और मनुष्य की आत्मा में कोई फर्क होना चाहिए कि नहीं। वो तो शिव बाबा जब प्रवेश करते थे तो ब्रह्मा की सोल इंटरफियर करके बोलती थी, क्योंकि बच्चा बुद्धि है, पढ़ने वाला बच्चा है या सगीर बुद्धि है, बच्चा है तो बच्चा तो बीच बीच में अपना बोलेगा। अभी भी ब्रह्मा की आत्मा जो टीचर का पार्ट चलता है उसमें बीच बीच में इंटरफियर करके कुछ का कुछ कर देती है, तो बच्चा तो बोलेगा। हाँ तो आवाज नहीं बदल, माने शिव की शिव को सूक्ष्म शरीर नहीं होता है और ब्रह्मा बाबा को और मनुष्य आत्माओं को सूक्ष्म शरीर होता है, इसलिए सूक्ष्म शरीर का दबाव पड़ता है, सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है या स्थूल में ज्यादा ताकत होती है। तो ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म शरीर है, ब्रह्म राक्षस है, तो जिसमें प्रवेश करेगा उसका चेहरा मोरा हाव भाव और आवाज बदलेगी नहीं, बदल जाती है। शिव तो हल्की फुल्की बिंदु आत्मा है, जिसमें प्रवेश करती है पता ही नहीं चलता। मुरली में भी बोला है शिव बाबा कब आते हैं कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता, इसमें ब्रह्मा को पता चलता है क्या, इनको भी पता नहीं चलता। ये मुरली में महावाक्य क्यों बोला, इसे क्या साबित हुआ, क्या साबित हुआ कि ब्रह्मा में भी पता नहीं चलता था, चाहे मुकर्रर रथ में शिव प्रवेश करे और चाहे टेम्पररी रथ में शिव प्रवेश करे, ये उसकी निशानी है कि जिस समय प्रवेश करेगा किसी को पता नहीं चलेगा, जिसमें प्रवेश करेगा उस आत्मा को भी पता नहीं चलेगा, बाद में पता चलेगा। ये ज्ञान तो हमारे अंदर था ही नहीं, ना आज तक किसी ने सुनाया, ये तो नई बात निकल आई। ये ज्ञान तो सिवाय ईश्वर के और कोई दे ही नहीं सकता। ये कहा उन्होंने कि ब्रह्मा बाबा प्रजापिता में जब प्रवेश करता है प्रजापिता की आवाज नहीं बदलती। ब्रह्मा बाबा की सोल ज्यादा पावरफुल है या प्रजापिता की सोल ज्यादा पावरफुल है, तो जिसकी सोल पावरफुल है उसके संग के रंग में आकर वो बीज रूप से धारण करेगी कि नहीं। ब्रह्मा की आत्मा जब प्रजापिता में प्रवेश करती है तो राम वाली आत्मा जो सच्ची का बीज है, राम बाप कहा जाता है, तो बाप में ज्यादा ताकत होगी या बच्चे में, बाप में ज्यादा ताकत है, उसके संग के रंग में आते ही वो बिंदी बन जाती, तो बिंदी का पता ही नहीं चलेगा कब आती है और कब चली जाती है। और गुलजार दादी
भूल जाता है तो सूक्ष्म शरीर होता है। इसलिए दो अवस्थाएं उनकी बन रही, एक तो निश्चय बुद्धि और एक अनिश्चय बुद्धि। सबसे ज्यादा जन्म मरण के चक्र में, निश्चय अनिश्चय के चक्र में कौन सी आत्मा आती है? ब्रह्म की आत्मा अभी भी सबसे जास्ती निश्चय अनिश्चय के चक्र में आ रही है। हम बच्चे इतना निश्चय अनिश्चय के चक्र में नहीं आ रहे हैं, वो सबसे जास्ती निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते हैं। अनिश्चय के चक्र में आते हैं तो फिर गुंजार दादी भी प्रवेश करके वो ही अपनी ढपली पुरानी मोह कटता ही नहीं। ये ब्रह्मांड है और भी है, है? ब्रह्मांड है। आप दूसरों की बातें क्यों ध्यान में लाते हैं? डिस्कशन में तो कहीं ऐसा बोला नहीं कि और भी ब्रह्मांड है। किसी की बात क्यों सुनना, माता खराब करेंगे। सोलह कला संपूर्ण है, सोलह कला कौन कौन सी है? चंद्रमा सोलह कला संपूर्ण होता है और कलाहीन होता है, उसकी कौन कौन सी कलाएं हैं? अरे ये तो मीजरमेंट है रोशनी का, ज्ञान की रोशनी का मीजरमेंट है सोलह कला संपूर्ण। जैसे वो चंद्रमा भरपूर हो जाता है पूर्णमासी का तो उसमें ज्यादा रोशनी होती है, कलाहीन हो जाता है अमावस्या के दिन तो रोशनी खत्म हो जाती है। तो ऐसे ही आत्मा की रोशनी है तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने सिखा दिया लोगों को, नाचने की कला, गाने की कला, ठगने की कला है। चौरासी लाख योनियों वाली बात शुरू कर दी है, तो क्या हुआ? चौरासी लाख योनियों में मनुष्य आत्मा जाती है तो कोई न कोई हिसाब होता होगा, तब तो बोला हुआ है कि मनुष्य आत्मा चौरासी लाख योनियों, मान चौरासी लाख योनियों जैसी एक्ट करती है या जाती है, एक्ट करती है तो क्या बड़ी बात होगी। कोई कोई आत्मा में ऐसे पूर्वजन्म के संस्कार भरे हुए हैं सर्प जैसे, कोई कोई आत्मा में कुत्ते जैसे संस्कार भरे हुए हैं, इसके पीछे लगेंगे, उसके पीछे लगेंगे, उसके पीछे लगेंगे, भाई यही धंधा उनका। तो क्या कहिए, कहा जाए उनको क्या कहा जाएगा? कुत्ता। तो ये सर्प जैसे संस्कार भी होते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बिच्छू जैसे संस्कार होते हैं, उनको कितना भी दूध पिलाओ मौका आएगा तो डंक जरूर मारेगा, तो बिच्छू जैसे संस्कार नहीं हुए। राम और सीता के साथ लक्ष्मण की तो दिखाते हैं, लेकिन राम और सीता के साथ लक्ष्मण को दिखाते हैं। हाँ जी, राम सीता लक्ष्मण, लेकिन लक्ष्मण के साथ उसकी पत्नी को नहीं दिखाते, फोटो में राम सूर्यवंशी, राम के राम चार भाई थे ना, तो चार भाई जो हैं वो चारों धर्मों के बीज हैं, तो चारों धर्मों के जो बीज होंगे उनमें अपने अपने संस्कार देखने में आएंगे कि नहीं है? सूर्यवंश में जो सूर्यवंशी पत्नियां हैं वो सारी जीवन साथ निभाएंगी या दूसरे धर्मों वाली सारी जीवन साथ निभाएंगी? राम सूर्यवंशी है, इसलिए उनकी पत्नी सीता ने जंगल में जाएंगे तो भी साथ निभाएंगे, घर में रहेंगे तो भी साथ निभाएंगे, या जैसी आज्ञा हो वैसा करेंगे। दूसरी पत्नियां ऐसे थोड़ी निभाती। और बाबा राम की आत्मा क्या भावर का पार जाती है? भावर का पार जो है राम की आत्मा जाती है। भक्ति मार्ग में नाम दिए हुए हैं ड्रामा प्लेन अनुसार, नाम किस आधार पर होते हैं? काम के आधार पर होते हैं। तो कहा जा सकता है कि हर धर्म का जो बीज है, नहीं, हर धर्म का जो फाउंडेशन है उसमें
राजाई का फाउंडेशन डालने वाला कोई तो होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? तो राजाई का फाउंडेशन डालने वाले दूसरे धर्म के जो धर्म पिताएं हैं वो राजाई का फाउंडेशन डालने के संस्कार होते हैं, या देवी देवता सनातन धर्म की जो मुख्य आत्मा है उसमें राजाई का फाउंडेशन डालने के संस्कार होते हैं, और धर्म के धर्म पिताएं सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं लेकिन राजाई स्थापन नहीं करते। ये राजाई स्थापन करने के सिर्फ ज्यादा से ज्यादा संस्कार 100% संस्कार कौन सी आत्मा ने भरे? राम वाली आत्मा ने भरे। तो वो ही राम वाली आत्मा मुगल वंश का भी फाउंडेशन डालने वाली बन जाती। बन जाए तो कोई बड़ी बात है क्या? अब रिसर्च करो बैठ के। आप जो भगत होंगे बहुत बहुत बेटा बिटंडा मरा मचाए देंगे, हैं? राम वाली आत्मा को मुसलमान बता दिया। अरे राम वाली आत्मा अंधकार को अंधश्रद्धा को उच्छेदन करने वाली आत्मा होगी या अंधश्रद्धा में चलने वाली आत्मा होगी? शिव बाबा जब आते हैं तो उस अंधकार को दूर करने वाला ज्ञान को पहले कौन पकड़ता है? राम वाली आत्मा पकड़ती। तो राम वाली आत्मा तो 63 जन्म जहां जहां जाएगी वो अंधश्रद्धा अंधविश्वास का खंडन करेगी या उसका पोषण करेगी। तो मुसलमानों में मोहम्मद ने क्या किया? सारी मूर्तियों को तोड़वा दिया। तो उसने अच्छा काम किया है बुरा किया है? ज्ञानी क्या कहेंगे? अज्ञानी क्या कहेंगे? ज्ञानी कहेंगे मूर्तियों को, मूर्तियों की पूजा करना ये तो महान अंधश्रद्धा हो गई, इससे तो अच्छा किसी आदमी की पूजा करो चैतन्य की। और बिल्कुल विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य द्वितीय, विक्रमादित्य तृतीय है। हाँ व्यास वाली आत्मा जिसने इतने शास्त्रों का भंडार लिख मारा उसके संस्कार ज्ञान के कहाँ पड़े होंगे? संगम युग में पड़े होंगे। जिस समय शुरुआत में शास्त्र लिखे गए थे तो शास्त्र सतो प्रधान थे या तमो प्रधान थे? तो सतो प्रधान ज्ञान कौन सी आत्मा में हो सकता है? राम वाली आत्मा में ही हो सकता है। सिर्फ एक बात गायब हो गई। क्या? संगम युग वाली बात गायब हो गई बुद्धि में से, कि भगवान कब आता है। और मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, परमात्मा शिव ज्योति बिंदु है, ये बात भी गायब होगी। शुरुआत में सिर्फ थोड़े समय तक के लिए ये बात बुद्धि में थी तो वो शिवलिंग में स्टार लगा दिया। और जब तक व्यवस्था नहीं हो जाएगी सब ठीक ठाक नहीं हो जाएगा राजा ही कहाँ से चल जाएगी। अरे हिरोशिमा और नागासाकी में बम पड़ गए तो सुधरने में थोड़ा टाइम लगेगा या तुरंत का तुरंत हथेली पाम जमाया जा सकता है? थोड़ा टाइम लगता है। फिर वही बात, त्रेता के अंत में कोई तो युगल होगा जो पहले पहले क्षत्रिय से विषय कर्म करने वाला वैश्य बना होगा। कोई होगा कि नहीं? पहला युगल कौन होगा? है जो प्रजापिता है वो ही राजा विक्रमादित्य का बाप। तो जो बासवासी को कुबेर का वहां भेज दिया गया काम करने, उसके बाद ही इब्राहिम आया। खदेड़ के बहल भेजने का कारण क्या है?
क्यों खदेड़ के भेजा गया? खदेड़ के भेजने का कोई काम होगा, कारण होगा ना? क्या कारण था? कारण यही था कि ऊपर से जो आत्मा इस्लाम धर्म की उतरती है द्वापर के शुरुआत में ही, वो स्वर्ग को जानती है, स्वर्ग की अभिविचारी वृत्ति को जानती है? नहीं जानती। वो तो आएगी तो जिसमें प्रवेश करेगी चारों तरफ व्यभिचार फैलाना शुरू कर देगी। और व्यभिचार फैलाना शुरू किया और जो राम संप्रदाय के जो ग्रुप है वो उसको पटाख से परख सकती ज्यादा है कि नहीं, ताड़ जाएगी, ताड़ जाएगी, बस मुकाबला करेगी। बाबू तो वन वन जो कमल है शुरू होगा दो हजार अठारह से होगा ना? जो वापस जो है वो 482 में से होगा, 482 से 482 वर्ष पहले। ये तो रिसर्च करने की बात है। जब ईश्वरी ज्ञान में आ जाएंगे लोग हर वर्ग के, तो वो अपने अपने तरीके से रिसर्च करेंगे। हिस्टोरियन अपनी हिस्ट्री के आधार पर रिसर्च करेगा, टैली करेगा। जो ज्योग्राफी का प्रोफेसर है वो ज्योग्राफी के आधार पर करेगा। जो एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिषी है, वो ज्योतिष विद्या के आधार पर रिसर्च करेंगे। और सारी रिसर्च जाकर के एक जगह मिलेगी तो सच्चाई निकल आएगी। अभी तो जो बता दिया कि 418 वर्ष पहले, हाँ 482 वर्ष पहले, तो ये भी तो किसी व्यक्ति ने लिख दिया ना, कोई प्रूफ प्रमाण तो नहीं दिया। बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे प्रूफ के आधार पर मानेंगे, बिना प्रूफ के मान लेंगे? प्रूफ चाहिए हर बात का। ज्ञान पहले जन्म देवताओं को ज्ञान होता है कि नहीं होता है? संगम गुरु की देवताएं होते हैं, कंचन काया संगम युग में बनेगी। संगम युग में प्रकृति तत्व प्रधान बनेगी। प्रकृति जो जड़ बुद्धि है वो तत्व प्रधान बनेगी। प्रकृति तो जड़ है, आत्माएं चैतन्य होती है। तो आत्माएं जो सत्व प्रधान बनने की संभावना पहले है, यह पांच तत्वों वाली जड़ प्रकृति की सब सत्व प्रधान बनने की संभावना है। प्रकृति ज्ञान समझेगी, जड़त्वमयी बुद्धि ज्ञान को समझेगी, या चैतन्य आत्मा ज्ञान को समझेंगी? चैतन्य आत्मा ज्ञान को समझेंगी तो वो संगठित होकर के वाइब्रेशन बनाएंगी। जहाँ वाइब्रेशन बनाएंगी वहाँ जड़ प्रकृति तमोप्रधान प्रकृति का कोई असर नहीं, थोड़े से बचेंगे। जब आखिरी विनाश होगा तो जड़ प्रकृति का भी ध्वंस हो जाएगा और चैतन्य प्रकृति का भी ध्वंस हो जाएगा, फिर सत्व प्रधान शुरू। जैसे लक्ष्य दिया है बाबा ने लक्ष्य नारायण बनने का, ज्ञान हो गया कि नारायण तो किसी और ने बनना है, है? नारायण तो किसी और ने बनना है, माने नारायण तो किसी और को बनना है, लेकिन नहीं नारायण तो किसी को बनना है, लेकिन नारायण के साथ साथ नारायण अकेला राज्य चला लेगा क्या? राजा अकेले राजा ही चलाता है क्या? है राजा से ज्यादा ताकत सेनापति में होती है कि नहीं होती है? फिर अरे हमको पता चल गया कि लक्ष्मी नारायण का पद हो गया डिक्लेयर, तो लक्ष्मी नारायण का पद डिक्लेयर हो गया, लक्ष्मी नारायण जैसे तो बन सकते हैं नंबर वन, कि वो भी नहीं बन सकते? बन सकते हैं नंबर वन। बाबा जो श्रीमत में नहीं चलते क्या बाबा उनका हाथ छोड़ देगा? श्रीमत में नहीं चलते, उन्होंने हाथ छोड़ा कि नहीं श्रीमत का? आप ही छोड़ के भाग जाएंगे।
जो जिन्होंने श्रीमत का हाथ अपने आप ही छोड़ दिया, बाबा को पकड़ने की बात कहाँ रही? जो बाबा को पकड़ा दिया है हाथ। अरे कहाँ पकड़ा दिया बुद्ध रूपी हाथ? वो तो यही पता नहीं तुम्हें कौन सा हाथ पकड़ाया जाता है बाबा को? ये हाथ पकड़ाने की बात है, कौन सा हाथ पकड़ा दिया? तो बुद्धि जैसे घुमाए वैसे घूमते जाओ। बाबा ने सदगति करनी है ना? बाबा ने सदगति तो करनी है, लेकिन हाथ पकड़ाओगे तभी तो। हाथ हाथ कौन सा कैसे पकड़ाया जाएगा? कौन सा हाथ? अरे कौन सा हाथ पकड़ाओगे? अरे बुद्ध रूपिया। तो बुद्धि दे दी बाबा को कि जैसे चलाओगे बुद्धि को हम वैसे ही चलेंगे, हम अपनी अकल नहीं बढ़ाएंगे, ऐसे चलोगे? बाबा ने तो लिखवा लिया, घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनेंगे। आगे जा रहे हैं। राम को लंका में कहते हैं रावण रहता था। लंका सारी दुनिया है, तो सारी दुनिया के दूसरे धर्म के लोग राम और राम संप्रदाय का अपोजिशन करेंगे या नहीं करेंगे, और ऐसे ऐसे कर्म करेंगे जो राम और रावण राम संप्रदाय के सभी लोगों के दिल को जलन हो, ऐसे काम करेंगे कि नहीं जानबूझ के करेंगे? कोई जलन हो गया? अकेली लंका की बात थोड़ी ही, लंका में तो स्थूल भगत है रावण के, जो जलाते हैं भारत में वो स्थूल भगत है, लेकिन सारी दुनिया में लंका है। और 1936 में जब शिव बाबा ने चित्रकला प्रवेश करके सत्तर कर्म का क्लियर किया था, बाबा तो बहुत जन्म जन्म के ग्रंथ जो हम एक्सपेक्ट देख रहे हैं, ये शिव बाबा बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में प्रवेश करता है। ये बहुत जन्म में जो 84 जन्म हुए बहुत जन्म उसमें ही प्रवेश करता है। दो बातें हैं, बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में, वो इसलिए बोला कि जब प्रवेश किया था उस समय 60 साल की वानप्रस्थ अवस्था थी, पूरा 84वां जन्म नहीं कहेंगे क्योंकि ब्रह्मा की आयु कितनी होती है? 100 साल। वो आयु पूरी नहीं हुई, वो आयु जब तक पूरी न हो तब तक बहुत जन्मों के अंत का के भी अंत का टाइम नहीं आया। वो टाइम कब आया? 76 में। तो 76 में 84वां जन्म पूरा हुआ, और जो अगला जन्म है वो 85वां नहीं कहा जाएगा, वो एक्स्ट्रा आर्डिनरी जन्म कहा जाएगा। क्या? नहीं, हाँ वो ऐसा जन्म है, उस शरीरधारी का व्यक्तित्व जो 76 में ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होता है, वो ऐसा शरीर रूप शरीरधारी व्यक्तित्व है जो 84वें जन्म का अंतिम जन्म भी है और साथ साथ नई दुनिया का पहला जन्म भी है। उसी शरीर से उसको पंचन काया बनना है, तो पहला जन्म भी हो गया 21 जन्मों में से, और 84वां जन्म भी 76 में पूरा हुआ। और अरे खुद ही पढ़ के कराम कथा सुना दो। प्रश्न पूछने वाले में इतनी लायकात तो होनी चाहिए कि प्रश्न को पूरा पूरा समझा सके। लो ये तो कागज में बंधा हुआ पुर्जा है, अपना प्रश्न बताओ तो, क्या बात है?
बोलो जोर से बोलो, जैसे घर में बोला जाता है। पचास साल कम है? हाँ पचास साल पूरा हो जाता है। षष्ठी चक्र 5000 साल का, 5000 साल में कोई आत्मा ऐसी भी है जिसके 50 साल कम हो जाते हैं, माने 50 साल वो शरीर का अपना शरीर का जन्म लेकर के नहीं रहता, जीवित नहीं रहता। इसलिए बोला कोई आत्मा ऐसी भी है जिसके 50 साल 5000 वर्ष में से कम हो जाते हैं, ये बोला। हाँ अब क्या पूछना है? ठीक है, कितने साल ऐड करेंगे? 50 साल क्यों उसमें ऐड करेंगे? ये ब्रह्मा बाबा के लिए थोड़ा ही मुरली में बोला है, बोला कोई आत्मा के 50 साल भी कम हो गए होंगे। ब्रह्मा बाबा के लिए इसलिए कह सकते हैं कि वो किसी शरीर में वो आत्मा संपन्न स्टेज में पाठ बजाना शुरू कर देती है। जो काला कृष्ण है वो क्या बन जाता है? गोरा कृष्ण बन जाता है। हैं? हैं? हाँ 2018 में जन्म लेंगे कृष्ण। हाँ जन्म लेंगे माने स्थूल जन्म लेंगे। देखो भगवान बाप तो जो बोलता है सच्ची बात ही बोलता है। बोला सन 76 में विनाश होगा, तो बाबा ने क्या ये बोल दिया था कि सन 76 में सारी दुनिया खलास हो जाएगी? अरे विकारी बुद्धियों ने उसका अर्थ लगा लिया। ऐसे ही 18 में कृष्ण का जन्म होगा, तो विकारी बुद्धियों ने क्या अर्थ लगा लिया कि देहधारी कृष्ण आएगा, हम गोद में खिलाएंगे। बाबा की इसमें क्या गलती? चाहे हाँ चलो चाहे 38 में हो, 38 में जो होगा 2036 में संगम युग पूरा होता है। तो जब संगम युग पूरा होता है पुरुषोत्तम संगम युग, उसके तुरंत बाद जन्म होना चाहिए। अच्छा सिक्सटी नाइन से क्या हो जाता है? हाँ आयु क्यों जोड़े? उनकी आयु आयु शरीर की होती है कि आत्मा की होती है? तो शरीर है ही नहीं, आयु कहाँ से जोड़ रहे हैं? ये तो हमने लगा लिया अर्थ, मुरली में तो बोला है कोई ऐसे भी हैं, कोई ऐसे भी होंगे जिनके षष्ठी चक्र 5000 वर्ष में से 50 साल कम हो जाएंगे। छत्तर में फर्स्ट ब्रह्मा की। हाँ
ठीक है, ब्रह्मा की आयु 50 वर्ष रह जाती है, ब्रह्मा की आयु 50 वर्ष रह जाती है बाद में। हाँ, 76 में 50 क्यों जोड़ोगे? 86 में 50 क्यों जोड़ेंगे? 86 में उनका शरीर कहाँ था? वो ब्रह्मा कहाँ रहा? 86 में तो ब्रह्मा रहा ही नहीं, ब्रह्मा तो नरक में होता है और कृष्ण तो वैकुंठ में होता है, ब्रह्मा नाम क्यों देंगे? अरे ब्रह्मा जो है वो पति सृष्टि का नाम है या पावन सृष्टि का नाम है? पति सृष्टि का नाम है। हाँ, क्या कह क्या रहे? कहाँ ज्यादा बन जाती है? आयु शरीर की होती है, शरीर ने तो सही छोड़ दिया, आयु कहाँ रह गई उनकी? उनकी आयु रही ही नहीं ना। हाँ, अगर कुछ आयु रह भी गई तो उनकी 86 में पूरी हो गई, खत्म। जो दादा लेखराज ब्रह्मा है उनकी ब्रह्मा की आयु 100 साल कब पूरी हो गई? 86 में पूरी हो गई, वो तो कृष्ण का पाठ शुरू हो गया, आत्मा का पाठ शुरू हो गया, वो पीपल के पत्ते में दिखाया जाता है। हाँ, उनका पीपल के पत्ते पर आराम से आत्मिक स्मृति का अंगूठा चूसते हुए बैठा रहता है गर्भ महल, उसको कोई दुख तकलीफ नहीं है। तो अमर लोग कहेंगे या उसे मृत्यु लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? अमर लोग कहेंगे। ब्रह्मा की आयु मृत्यु लोक में पूरी होती है, ऐसे बोला मुरली ने। तो उस ब्रह्मा का मृत्यु लोक कब हुआ पूरा? दादा लेखराज का 86 में पूरा हुआ। और फर्स्ट ब्रह्मा का मृत्यु लोक कब पूरा हुआ? 76 में पूरा हुआ। और उनका उनके हिसाब से होगा, जब उनकी बात खुले मुरली में तो उनके हिसाब से पूरा होगा। सब बात पहले ही बता दे रहे तो आगे चल के क्या बता देंगे? बाबा सतगुरु की मेहनत सबसे ज्यादा है। गुरु सच्चा है कि झूठा है? सतगुरु एक होता है कि अनेक होते हैं? मतलब भक्ति मार्ग में सतगुरु कितने होते हैं? वो तो एक ही है। तो एक ही महिमा सबसे ज्यादा होनी चाहिए। जब एक ही है ओंकार, एक ही शक्त है, तो उसकी महिमा एक ही सबसे ज्यादा होगी, बाकी इतनी महिमा कहाँ होगी? गुरु तो क्राइस्ट भी बनता है, क्रिश्चियंस का इब्राहिम इस्लामियों का गुरु बनता है, मोहम्मद मुस्लिमों का गुरु बनता है, महात्मा बुद्ध बौद्धियों का गुरु बनता है, लेकिन उनकी महिमा इतनी नहीं होती। सबसे जास्ती महिमा सतगुरु, 500 करोड़ दुनिया जो उसको मानेगी, नहीं मानेगी तो सदगति होगी नहीं, गति भी नहीं होगी, परमधाम में भी वो आत्मा नहीं पहुंचेगी, मानना पड़ेगा। ये गुरुओं के चेले है ना, यही अपने गुरु को ही सतगुरु मानते हैं, वो झूठ है सब। हाँ। बाबा जैसे हम सतग्राम में सोचता है भोजन नहीं करना है, तो हड़जोक तो नहीं होगा? बात ये नहीं है, और क्या है? हमने तो वेला रोज ही में सो रहा है बहुतों का, तो रोज भूखे रहे तो गए काम से। बाबा ने मुरली में बोला है कि भूखे रहना है, तो जो बात मुरली में नहीं बोली है वो काहे काहे के लिए उसको फॉलो करना? अपने को सजा देने की बात क्यों, ऐसी सजा क्यों देना? हम हमको फिर बच्चे फॉलो करना शुरू कर देंगे, घर वाले फॉलो करना शुरू कर देंगे, हठयोग क्यों करना? कोई ऐसा उपाय बताओ मतलब मेरा मिट्टी ना हो। हैं, थप्पड़ मारो दो चार। जोर जोर से जैसे बाबा कहते हैं याद भूलती है, क्योंकि पहननी चाहिए।
अंदर में राम वाला आत्मा का जैसे मुस्लिम लोग जैसे हो गया कम्प्लीट हो गया, उनका जैसे कमर लोग में वो हो गया स्टार्ट हो गया, तो वो जैसे नित्य नित्य का अंतर हो जैसे उसके लिए बिल्कुल जैसे हट गया, फिर तुम्हारी आत्मा को वो जैसे पाकिस्तान में उसका जैसे लोग माफ होगा है क्या थी हाँ तो उसके अंदर अनित्य नित्य और नित्य का चक्कर वो तो देवता बन गई। ज्ञान कहाँ से है, ज्ञान की बात कहाँ, और तो गर्भ की बात है और शरीर में थोड़ा ही है। ज्ञान शरीर के द्वारा लिया जाएगा कि या गर्भ में लिया जाएगा, और वो भी शरीर किसका है गर्भ में, जो संगम की कृष्ण है वो शरीर किसका है, अरे प्रजापिता का, वो ही राम है वो ही कृष्ण है। भक्ति मार्ग में कहते हैं तू ही राम है तू ही कृष्ण है तू ही शंकर है तू ही ब्रह्मा है तू ही सब कुछ है। तो कृष्ण वाली आत्मा मानी ब्रह्मा वाली आत्मा ही तो प्रवेश करती है राम में। हैं? तो भक्ति मार्ग वाले जानते तो नहीं है ये, असलियत तो हमें पता है ना। चलो हो गया, 5 बज गए, बहुत।